सभी को नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरी वन लास्ट क्लास में हम कंकाल तंत्र और पेशी तंत्र की बात कर चुके थे बस ये ह्यूमन सिस्टम कंप्लीट होने के बाद फिर आगे फिजिक्स केमेस्ट्री की बात करेंगे जो पर्यावरण वगैरह वाला पार्ट है वो मैं बीच में कवर कर दूंगा, ठीक है आगे बात करें फिर चलें सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को अब आगे बात करते हैं कंकाल एवं पेशी तंत्र की स्केलेटल सिस्टम और पेशी तंत्र छोटे छोटे टॉपिक हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है स्केलेटल सिस्टम And बात करते हैं इनकी कंकाल तंत्र पेशी तंत्र पेशी की लास्ट क्लास में अपन ने इतना देखा कि बॉडी को सपोर्ट करने का काम कंकाल तंत्र कर रहा है और जो हमारी मूवमेंट हो रही है जैसे मैं भूल भी रहा हूं तो मेरी जीभ भी मूवमेंट कर रही है मैं आपको समझाने के लिए कुछ हाथों से इशारे करता हूं तो वहाँ पर भी पेशियां ही सहायता कर रही है मैं इधर से चलकर इधर जाता हूँ तो यहाँ पर भी पेशियां गति में सहायता करती हैं तो पेशियों की बात करें गति में सहायता करती हैं और अगर स्केलेटल सिस्टम यानी अस्थियों की बात करें तो ये हमारे शरीर को सपोर्ट प्रदान करने का काम करती है दृढ़ आलंबन रिजिड सपोर्ट देती है ये अस्थियां एक एक करके इनकी बात करने स्टार्ट की थी हमने तो पहले हम बात कर रहे हैं कंकाल तंत्र की टोटल वयस्क व्यक्तियों में अगर हम बात करें कि एक वयस्क व्यक्ति में कुल 206 सौ छह अस्थियां वयस्क मनुष्य में एडल्ट पर्सन में कुल 206 सौ छह अस्थियां टोटल टू हंड्रेड एंड सिक्स बोन्स अच्छा इसमें भी अगर मैं बात करूं कि ये अस्थियां या जो बोन्स होती हैं शरीर के मानव शरीर की सबसे कठोरतम उत्तक है मानव शरीर का कठोरतम हार्डेस्ट कठोर है हार्ड है कठोरतम उत्तक या हार्डेस्ट टिश्यू हमने बात की थी कि ये अस्थियां हुई या पेशियां हुई उत्तक है ये ठीक है कोशिकाओं का समूह है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती चाहे मैं पेशियों की मसल्स की बात करूं चाहे मैं अस्थियों की या बोन्स की बात करूं आगे अगर हम इनमें देखें कि मानव शरीर में या ऐसे लिख सकते हैं कि अस्थियां मुख्य रूप से Calcium Phosphate Magnesium Phosphate कैल्शियम तथा ऐसे लिख सकते तथा कैल्शियम के कैल्शियम के लवणों सॉल्ट्स से मिलकर बनी होती है से मिलकर बनी होती है सबसे लंबी सबसे छोटी अस्थि कॉमन सी बात है काफी लोगों को पता भी होता है लिखवा देता हूं बता देता हूं देखो सबसे लंबी अस्थि और सबसे मजबूत अस्थि भी हमारे जो दोनों जांघों में फीमर अस्थि कहलाती है फीमर बोन होती है जो सबसे लंबी भी है सबसे मजबूत भी है और सबसे छोटी अस्थि की बात करो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी तो कान में पाई जाती है स्टेपीज लिख लेते हैं दोनों को पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं स्टेपीज हो जाएगी सबसे छोटी आगे बात करते हैं फिर कि मानव शरीर की human body मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज कान में पाई जाती है फिर बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी सबसे लंबी अस्थि ये हो जाती है फीमर और ये होती है जांग या थाई में सबसे मजबूत अस्थि भी यही फीमर है पूरी हमारे बॉडी वेट को कैरी करती है पूरे हमारे शरीर के ऊपर धड़ वाले भाग को सपोर्ट दे रही है अगर बात करें इन अस्थियों की कठोरतम तो है ही अब हम अगर एक अस्थि को जैसे एच में रख देते हैं डाइल्यूटेड एच सी एल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रख देते हैं तो इसके जो सारे कार अकार्बनिक पदार्थ होते हैं अकार्बनिक लवण होते हैं, वो सभी बाहर आ जाते हैं और ऐसी अस्थि कहलाती है डी या वी कैल्सीकृत अस्थि कहलाती है और अगर हम किसी अस्थि को ड्राई कर दें सुखा दें तापमान की उपस्थिति में उसको सुखा देते हैं तो उसके जो सारे कार्बनिक भाग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं केवल अकार्बनिक पदार्थ उसमें बन जाते हैं तो बात करते हैं ऐसी अस्थियों को अध्ययन करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं लिख सकते हैं कि अस्थि या बोन को एच सी एल में रखने पर एच सी एल में रखने पर इसके अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ बाहर आ जाते हैं बाहर आ जाते हैं केवल कार्बनिक पदार्थ ही ऑर्गेनिक मटेरियल्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस केवल कार्बनिक पदार्थ ही इसमें रह जाते हैं ऐसी अस्थि या ऐसी बोन ऐसी अस्थि या बोन डी कैल्सिफाइड बोन या वी कैल्सिकृत अस्थि कहलाती है डी कैल्सिफाइड बोन कहलाती है है और अगर इसी को अपन ताप की उपस्थिति में सुखा दें, तो कार्बनिक पदार्थ सारे बाहर निकल जाएंगे और अकार्बनिक पदार्थ अभी भी इसके अंदर होंगे ऐसी अस्थि अस्थि शुष्क कहलाती है, ड्राई बोन कहलाती है वो भी लिख लेते हैं कि यदि यदि तापमान अधिक तापमान अधिक तापमान के प्रभाव में अस्थि या बोन्स को रखा जाए जाए तो, तो इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं तो इसमें उपस्थित पदार्थ तो तो कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं तथा केवल अकार्बनिक लवण इनऑर्गेनिक सॉल्ट कार्बनिक लवण इसी में रह जाते हैं लवण इसमें रह जाते हैं ऐसी अस्थि या को या बोन को शुष्क अस्थि या ड्राई बोन कहते बोन ड्राई बोन कहते हैं भाई दोनों का ही प्रयोग हम स्टडी में करते हैं संरचना वगैरह का अध्ययन करने में करते हैं इन दोनों का डी हो या शुष्क ड्राई बोन की बात करें इसके बाद आगे बात करते हैं कि अस्थि की संरचना कैसी होती है अस्थि के अंदर क्या क्या होता है क्योंकि हम अब तक पढ़ चुके हैं कि अस्थि मज्जा अस्थियों के अंदर पाया जाता है जहाँ से आर बी और प्लेटलेट्स का यानी रक्त कणिकाओं का या ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण होता है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं तो मानव अस्थि में मानव अस्थि में अस्थि मज्जा बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं ये भी ब्रैकेट में लिख देता हूं येलो एंड रेड पीला और लाल अस्थि मज्जा कौमा नर्व्स रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स जाते हैं भाई आप में से कईयों की सबकी तो नहीं ये एक्सपीरियंस हर किसी को होता नहीं है कईयों की हड्डी वगैरह क्रैक हुई होगी तो जब हड्डी क्रैक होती है या टूटती है फ्रैक्चर होता है दर्द बहुत तेज होता है अब सीधी सी बात है दर्द कब होगा जब वहां पर तंत्रिकाएं होंगी तभी तो दर्द होगा भाई दर्द क्या है एक तरह की संवेदना है उसका एहसास हमें किससे होता है तंत्रिकाओं से होता है तो तंत्रिका है तभी हमें उस दर्द का एहसास होता है इसके अलावा हम देखते हैं यह अस्थि मज्जा दो प्रकार का येलो और रेड अगर मैं एक टिपिकल बोन की स्ट्रक्चर बनाऊं जैसे फीमर जैसी ही लंबी एक बोन की संरचना बनाए हम इस तरह से ये लंबी अस्थि है ठीक है ये पर्टिकुलर आपके शरीर की कोई अस्थि नहीं है बस टिपिकल अस्थि होती कैसी उसकी संरचना समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं इसमें हम देखते हैं बाहर वाला ये आवरण होता है ये कहलाता है पेरी ऑस्टियम और सबसे अंदर पाया जाता है एंडो ऑस्टियम अगर मैं बात करूं इस अस्थि का ये जो किनारों वाला भाग होता है ये यहां पर पाया जाता है ये लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो पाया जाता है और अगर बीच वाले भाग की बात करें तो यहां पर पाया जाता है पीला अस्थि मज्जा येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो येलो और रेड बोन मेरो एक बात सुनना आप देखो लाल अस्थि मज्जा का काम क्या है आरबीसी बी डब्ल्यू और प्लेटलेट्स का निर्माण करना तो फिर पीला अस्थि मज्जा क्या करता है ये भी सुन लो देखो जब कभी किसी व्यक्ति में रक्त का अत्याधिक नुकसान हो जाए किसी भी वजह से जैसे चोट लग गई तो खून काफी बह गया या जैसे मलेरिया काफी समय तक रह गया या पीलिया जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं एनीमिया जैसे लक्षण तब जाकर यह ये येलो बोन मैरो बदलने लगता है रेड बोन मैरो में और अब यह भी क्या करेगा इन रक्त कणिकाओं का निर्माण करेगा वापस सुनना नॉर्मल कंडीशन है तो तो ये रेड बोन मैरो अंदर रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है लेकिन जब शरीर में रक्त की अत्यधिक कमी हो जाती है, तब ये येलो बोन मैरो क्या करेगा रेड बोन मैरो में चेंज होने लगता है और ये अब रक्त कणिकाओं का निर्माण करेगा दोनों का ही काम है बस यह ध्यान रखना कि पीला इमरजेंसी में ही रक्त कणिकाओं का निर्माण करेगा उत्पादन करेगा अब यहां पर कुछ शब्द आ जाते हैं जैसे अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन स्टडी ऑफ बोन्स स्टडी ऑफ बोन्स इसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी 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 बोन्स की अगर बात करें 206 सौ छ बोन्स मैंने बताई दो पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं पहली अस्थियां वो जो ये हमारे शरीर की बीच वाली लाइन है ना बिल्कुल मिड लाइन की बात कर रहा हूं या तो इस पर है या इससे जुड़ी हुई है कैसे कैसे देखो ऊपर से स्टार्ट करता हूं बिल्कुल ये बीच वाली लाइन जिससे बॉडी को दो आधे भागों में राइट और लेफ्ट में बांट सकते हो इसी लाइन पर सबसे पहले हमारी आ जाती है खोपड़ी की अस्थियां खोपड़ी की अस्थियाँ यहाँ तक गले तक बात कर रहा हूँ पूरी की इसमें चेहरा भी आ जाएगा चेहरे की अस्थियाँ खोपड़ी की अस्थियाँ और ये जो जबड़े वगैरह की अस्थियाँ ये सभी आ जाएंगी टोटल ट्वेंटी नाइन होती है हमारे गर्दन तक ये सबसे नीचे यहाँ पर एक छोटी सी अस्थि होती है जिसे हाइड अस्थि कहते हैं ट्वेंटी नाइन बोन्स हो जाती है हमारे चेहरे कपाल और गर्दन की अस्थियां मिलाकर देखें चेहरे फेस कपाल स्कल कान वाली भी वो छोटी छोटी अस्थियां वो भी आ जाएंगी इसमें सभी चेहरे कपाल एवं गर्दन तक या ऐसे कह सकते हैं एवं जबड़े जॉज तक की अस्थियां ये होती है ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन हो गई गिनती गिनते रहना दो सौ छह गिना दूंगा बीच वाली लाइन पर स्थित या इससे जुड़ी हुई अस्थियों की बात कर रहा हूं इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलकर आ जाओ बिल्कुल हमारा जो चेस्ट होता है चेस्ट के बीच वाला भाग यहां पर आपको कड़क कड़क फील होता है ठोस यहां पर एक अस्थि पाई जाती है जिसे कहते हैं स्टर्नम स्टर्नम ये है एक कितनी हो गई है ट्वेंटी नाइन और एक थर्टी अब आ जाओ पसलियों पर दोनों तरफ पसलियां होती है हमारे चेस्ट वाले भाग में बारह जोड़ी होती बारह जोड़ी यानी बारह इधर और बारह इधर टोटल कितनी हो गई चॉइस लिख सकते हैं पसलियां या रिब्स पसलियां रिब्स बारह जोड़ी बोले तो चॉइस गिनती गिनते रहना 54 हो चुकी है फिर आ जाओ पीछे की तरफ ये जो रीढ़ की हड्डी होती है बिल्कुल आपके गर्दन के ये जो निचला सिरा यहां से स्टार्ट होती है और रीढ़ की हड्डी कई छोटी, छोटी 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 अस्थियों से मिलकर बनी होती है टोटल 26 बोन्स होती है 26 अस्थियों के ये टुकड़े हमारे रीढ़ की हड्डी में होते हैं तो आगे लिख सकते हैं कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी ये चौबीस सॉरी छब्बीस छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है तो काउंट कर लो छब्बीस और चौबीस हो गए पचास और एक इक्यावन और ट्वेंटी नाइन ये हो गए टोटल अस्सी अस्सी अस्थियां या तो हमारी ये बीच वाली लाइन जो है शरीर की आभासी लाइन है। ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई लाइन होगा ठीक है इस लाइन से जुड़ी हुई या इस लाइन पर होनी चाहिए टोटल हो गई अस्सी दो सौ छह में से अस्सी मैंने गिना दी है अब बची हुई एक सौ छब्बीस वो कौन कौन सी अस्थियां ये देख लो ये हाथ दोनों और हाथ के जो ज्वाइंट है या यानी ये कंधे वाला ज्वाइंट प्लस हमारे दोनों पैरों की और पैर दोनों जहां से जुड़ रहे हैं श्रोणी मेखला अंश मेखला जो ये अंश मेखला ऊपर श्रोणी मेखला नीचे ये सभी मिलाकर 126 सौ छब्बीस अस्थियां होती है देखो यहां पर बिल्कुल जहां ये मेरे टी शर्ट की कॉलर दिख रही है इसके जस्ट नीचे आपके भी होगी मेरे अकेले के नहीं है सभी के होती है ठीक है इसके जस्ट नीचे होती है कॉलर बोन कहते हैं जिसे क्लेविकल कहलाती इधर भी इधर भी तो मैं एक तरफ की सारी अस्थियां आपको गिना देता हूं दूसरे वाली आप डबल कर देना गिनती हो जाएगी पूरी सबसे पहले मैंने यह बताई आपको एक कॉलर बोन या क्लेविकल बिल्कुल कहां पर है ये कंधे से यहां पर फील करोगे यहां पर आती आती आगे तक गर्दन के जस्ट नीचे वाले भाग तक आ जाती है क्लेविकल या कॉलर बोन कहलाती है ये एक हो गई क्लेविकल या कॉलर बोन ये हो गई एक पीछे की तरफ जो यहां पर ये कंधे वाला भाग है यहां पर ये पीछे पाई जाती है इसे कहते हैं स्कैपुला कहते हैं स्केपुला हो गई एक फिर आ जाओ ये यहां पर जहां कंधे से लेकर कोहनी के बीच में ये कहलाती है ह्यूमरस कहलाती है ह्यूमरस अस्थि हो जाती है एक इन सभी को डबल कर देंगे तो दोनों हाथों की आ जाएगी दोनों कंधे की भी आ जाएगी स कोहनी तक फिर कोहनी से लेकर ये जो कलाई होती है जहां पर आप घड़ी बांधते हो या राखी बांधते हो इसके बीच में ये वाली जो दो बोन है यहां पर जिन्हें रेडियस और अल्ला कहते रेडियस और अल्ला एक एक हो गई रेडियस और अल्ना एक रेडियस एक अल्ना फिर ये वाला यहां से पकड़ के देखो अपना हाथ यहां पर कठोर कठोर हड्डियां होती है बीच में यहां यहां तक ये यह छोटे छोटे टुकड़ों में कई अस्थियां होती है इन्हें कहते हैं यहां पर कार्पल्स कहते हैं कार्पल्स कहते हैं ये कार्पल्स होती है आठ कितनी कार्पल्स होती है आठ कार्पल्स हो गई आठ कार्पल्स हो गई आठ फिर आगे बात करो देखो ये जो हमारी उंगली है उंगली को यहां से ये मोड़ देता हूं ये उंगलियों को मोड़ दिया अब ये जो मुट्ठी का जो पीछे वाला भाग दिखाई देता है ना मुक्का बनाते हो तो आपको यहाँ से ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है हर उंगली के बिल्कुल बेस में यहां पर पतली पतली एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं मेटाकार्पल्स तो चार उंगलियों के नीचे चार मेटाकार्पल्स और एक अंगूठे के इधर पांच मेटाकार्पल्स तो कार्पल्स के बाद बात करते हैं मेटाकार्पल्स ये हो गई पांच अब आ जाओ उंगलियों में देखो उंगली की एक बात करता हूं देखो सबके नेचुरली ये जो लाइनें हैं तीन बॉक्स बना रखे होते हैं और उंगली को अगर मोड़ के भी देखो तो आपको ये दो जगह से बैंड हो रही है एक ये इतना छोटा आगे वाला टिप एक हड्डी यहां पर है दूसरी ये बीच में और तीसरी ये यहां नीचे वाले पार्ट तक हर उंगली में तीन हड्डियां हैं टोटल कितनी उंगलियां एक दो तीन चार सब में तीन तीन, तीन तो चार में कितनी हो गई बारह अंगूठा भी तो बचा है अंगूठे में कितने बैंड आ रहे हैं देखो एक ही बैंड आया तो बारह तो ये और अंगूठे की दो टोटल कितनी हो गई चौदह उंगलियों की अस्थियां इसलिए उंगलास्थिया या फेलेंजेज कहते हैं अंगुल या इनको फेलेंजेस कहते हैं ये हो गई चौदह आप गिनती करते हैं देखो चौदह और पांच उन्नीस और आठ सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस और एक एक कॉलर बोन बत्तीस बत्तीस एक साइड की बत्तीस दूसरे साइड की टोटल कितनी हो गई चौसठ यानी इसको इंटू दो करूं तो ये टोटल कितनी हो गई है सिक्सटी फोर काउंटिंग चालू रहनी चाहिए अस्सी ऊपर गिना दी थी सिक्सटी फोर हो गई है बची है सिक्सटी टू वो पैरों वाली अस्थियां हो जाएंगी ठीक है आगे बात करें फेलेंजेस कहते हैं चौदह हो गई ठीक है उंगलियों के चार उंगलियों में तीन तीन अस्थियां चार इंटू तीन बारह हो गई और दो अंगूठे वाली दो चौदह बारह और दो चौदह ठीक है सिक्सटी फोर हो गई भाई एक तरफ बासठ हो गई सॉरी एक तरफ बत्तीस हो गई दूसरी तरफ भी बत्तीस बत्तीस और बत्तीस कितनी हो गई चौसठ ये जो कंधे वाला जॉइंट होता है इसे अपन अंश मेखला कहते हैं अंश मेखला में दो अस्थियां आती है ये क्लेविकल और स्कैपुला ठीक है अब नीचे वाली बॉडी के यानी पैर वाली बात करते हैं। तो दोनों पैरों में दोनों जांघे कहा है यहां पर ये जो फीमर दोनों बोन से ये आकर जुड़ती है श्रोणी मेखला में जहां पर आप बेल्ट बांधते हैं बेल्ट के बिल्कुल ठीक नीचे यहां पर यह श्रोणी मेखला पाई जाती है और दोनों श्रोणी मेखला अगर बात करें दोनों जो फीमर्स इसी श्रोणी मेखला में आके जुड़ती है तो आगे बात करते हैं देखो 64 हो गई है, 62 और बता रहा हूं और 62 बोन्स कौन कौन सी देखें वही अपन उल्टा कर लेंगे ठीक है तो श्रोणी मेखला की बोन होती है इनोमिनेट इनोमिनेट एक हो गई इनटू कर लेंगे दो दूसरी तरफ की हो जाएगी ठीक है फिर श्रोणी मेखला में ये जो इनोमिनेट बोन है इसके जस्ट नीचे आती है जो थाइज में जो सबसे लंबी सबसे मजबूत अस्थि है फीमर कहलाती है फीमर हो जाएगी एक।, एक तरफ की बात कर रहा हूं मैं ठीक है फीमर के बाद नीचे चलो आ गया घुटना जैसे हाथ में कोहनी आई थी वैसे ही पैर में आ गया घुटना लेकिन कोहनी पर यहां पर देखो बस ये दो अस्थियां ही जुड़ रही हैं जबकि घुटने पर आप फील करते हो बिल्कुल घुटने का जो फ्रंट वाला भाग होता है वहां एक कटोरी सी संरचना होती है बिल्कुल फ्लैट होती है बाउल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं पटेला घुटने की अस्थि कहलाती है ये पटेला घुटने में कितनी हो गई ये एक सेम हाथ वाली ही चीज ऊपर कौन सी ह्यूमरस तो यहां पर आ गई फीमर हालांकि यहां कोनी पर कोई ऐसी अलग से बोन नहीं थी लेकिन हमारे घुटने पर कौन सी होती है पटेला फिर आगे चले तो यहां पर क्या है रेडियस और अलना तो हमारे बिल्कुल घुटने के नीचे वाले भाग में जहां पिंडली होती है वहां पर दो अस्थियां टीबिया और फिबुला एक तो टीबिया और एक हो जाएगी फिबुला टीबिया एक फिबुला, ये भी एक ये लीजिए एक फिबुला हो गई। टीबिया और फिबुला की बात करें तो टीबिया और फिबुला फिर आगे चलकर जैसे ये आपका पैर है ये आपका पैर ये जो पिंडली की अस्थियां हो गई टीबिया और फिबुला फिर यहां पर ये यह जो टखने वाला भाग है जैसे मैं मेरे हाथ को ऐसे करके दिखा देता हूं तो हाथ में यहां पर अपन ने क्या देखा था कार्पल्स देखे थे तो यहां कार्पल्स ना होकर यहां वाली अस्थियां कहलाती है टारसल्स कहलाती है टारसल्स और ये होती है सात सात टारसल्स हो जाएंगी तो फिबुला के नीचे टार्सल अस्थियां या टारसल्स कह देते हैं ये कितनी हो गई सात ठीक है फिर यहां पर तो हमारी उंगलियां हो जाएंगी ये यहां पर टखना और ये यहां पर उंगलियां इन दोनों के बीच में जो पांच उंगलियां होती है उनके जस्ट पीछे की साइड में जैसे यहां पर मैंने आपको यह मेटाकार्पल्स बताए थे वैसे ही पैर का जो पंजा होता है पंजे में पाई जाती है मेटाटार्सल्स संख्या होती है पांच मेटाटार्सल्स ऊपर कार्पल और मेटाकार्पल थी हाथ में यहां पर टार्सल और मेटाटार्सल है फिर वही लास्ट में अंगुलस्थिया आ जाएंगी अंगूठे में तो होती है दो बाकी हर उंगली में होती है तीन तीन अंगुलस्थिया या फैलेंजेस तो चार उंगलियों में तीन तीन ये तो हो गई बारह और अंगूठे की दो हो गई टोटल हो जाएगी चौदह तो गिनती करते हैं चौदह और पांच उन्नीस और सात छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस थर्टी वन एक साइड में तो दूसरी साइड में भी थर्टी वन हो जाएगी तो थर्टी वन इंटू टू कर देंगे थर्टी वन इंटू दो कर देंगे तो आपके पास टोटल बासठ ये आ गई तो काउंटिंग कर लो पहले मैंने बताई आपको 80 फिर 64 फिर ये 62 टोटल गिन लो तीनों को 206 सौ छः अस्थियाँ हो जाएंगी और इन्हीं में ये जो फेस वाली ये जो या गर्दन तक वाली अस्थियां थी इसी में आपकी सबसे छोटी अस्थि कान के अंदर आ जाती है तीन अस्थियां होती है छोटी छोटी मेलियस इनकस और स्टेपीज स्टेपीज सबसे छोटी होती है ठीक है दोनों कानों में इस तरफ भी ल, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में होती है तो एक बार इनके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी मैंने आपको काउंटिंग करवा दी है हाँ यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना था यहाँ से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम्म टोटल 206 हो गई होंगी फिर इसके बाद ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए चेहरे कपाल जबड़े तक की अस्थियाँ ट्वेंटी नाइन इंस्टरनम हो गया एक पसलियाँ हो गई बारह जोड़ी टोटल बोले तो चौबीस फिर कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में छब्बीस छोटी छोटी अस्थियाँ सिक्सटी फोर होगी आपके हाथों हो की और कंधों की ठीक है एट्टी प्लस सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी टू अरे भाई इतनी कैलकुलेशन तो कर लो मेरे नहीं हो रही सर अरे भाई कोई कमी वमी रह गई क्या एक बार चेक कर लो सारी है ठीक है फेस में देखो अपन ने जो फेस स्कल और हाँ फेस की अगर मैं केवल फेस चेहरे की बात करूँ तो चौदह हस्तियाँ होंगी आठ अस्थियां हो जाती है कपाल में चौदह और आठ बाईस दोनों कानों में तीन तीन छोटी छोटी अस्थियां होती है तो 22 और 6, 28 और एक होती है हायर्ड अस्थि टोटल 29, ठीक है कभी कभी छह फिंगर्स होता हो जाती है तो एक्स्ट्रा उसमें वो फॉर्मेशन हो जाता है बोन्स का ठीक है वो एबनॉर्मल कंडीशन है नॉर्मल नहीं है ऊपरी जबड़े की सबसे मजबूत अस्थि ध्यान देना जबड़े की अस्थियां मजबूत नहीं है जबड़े से जुड़ी जो मांसपेशियां होती है जिसे हम मैसेटर कहते हैं वो सबसे मजबूत पेशी होगी ठीक है आगे बात करें फिर इसके बाद ये वाला एक बार इसका स्क्रीन और ले लीजिए बच्चों में ज्यादा क्या होती है ये भी बता देता हूं देखो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अब एक बात करता हूं देखो जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसमें अस्थियों की संख्या इस 206 से तो बहुत ज्यादा होती है उसका कारण है देखो कभी जैसे घर में छोटा बच्चा हो या किसी और के भी कोई छोटा बच्चा हो तो उसके फील करना ज्यादा मत करना नहीं तो उसको बेचारे को दर्द होगा ये ऊपर वाला जो खोपड़ी वाला भाग होता है ना यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट में जहाँ पर मैं मेरी उंगली लगा रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा दबा कर देखना बहुत ज्यादा मत दबाना उसको दर्द होगा तो उसमें यहाँ पर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है और खुद के दबाकर देखोगे कितना कड़क है क्योंकि खुद के पूरी वहां पर हड्डी आई बच्चे में क्या होता है ये जो हड्डियां होती है इनमें थोड़ा सा ये गैप होता होता है है जब जब बच्चा बड़ा होता है या जब बच्चे के शरीर में वृद्धि होती है तो धीरे धीरे ये अस्थिया आपस में एक दूसरे के पास आकर फ्यूज होकर एक अस्थि के रूप में हो जाती है तो बच्चे में ये दो टुकड़ों के रूप में थी इनको दो अलग अलग अस्थियां मान रहे थे बड़े होते ये वापस पास में आकर जुड़ गई अब ये एक अस्थि है इसलिए वयस्क में जो अस्थियों की संख्या होती है बच्चे की तुलना में कम होती है ठीक है ऐसे नहीं कि कोई गायब हो गई अस्थि या कोई टूट गई या कोई हट गई अस्थि नहीं बस दोनों आपस में जुड़ गई ठीक है <coughs> तो ये आपके अस्थियों की हमने बोन्स की बात की सारे जो आपकी एक एक अस्थियां गिना दी ठीक है कितनी हमारे रीढ़ की हड्डी में कितनी हमारी पसलियां है स्टर्नम क्या है पूरे चेहरे में गर्दन तक कितनी अस्थियां हैं हाथ पैर की अस्थियां कौन सी है कितनी है ये देखा हमने अस्थियों के बाद आगे बात करते हैं मसल्स की या पेशियों की मसल्स या पेशियों की बात करते पेशी तंत्र मस्क्यूलर सिस्टम तो जल्दी से ये बता दें कि जिस तरह से 206 सौ वयस्क व्यक्ति में 206 सौ छह स्थियां होती है पेशियां कितनी होती है वयस्क मनुष्य में कुल खाली जगह छोड़ रहा हूं आपके लिए पेशियां होती है मसल्स होती हैं टोटल नंबर ऑफ मसल्स और ये जो जितनी भी पेशियां हैं ये पेशियां या ये पेशी तक मसल टिश्यू हमारे शरीर को हमारे शरीर तथा विभिन्न अंगों को ऐसे लिखते थे अंगों को गति प्रदान करती है चले आंसर आपके आएंगे सिक्स थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव सिक्स फोर्टी ज़्यादातर का आंसर सही है सिक्स थर्टी नाइन छः सौ उनचालीस पेशियां होती है सिक्स थर्टी नाइन मसल्स होती है ठीक है एक हजार पाँच कहाँ से आ गया भाई सिक्स थर्टी नाइन ठीक है अब इनमें भी सबसे लंबी बड़ी छोटी उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि अभी जैसे कई कुछ कह रहे थे कि सर जबड़े में जबड़े में तो जबड़े की जो पेशी होती है मसल वो मजबूत होती है ठीक है आगे बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि सॉरी सबसे लंबी पेशी चलो मैं यहां पर एक साथ नाम लिखूंगा आप साथ साथ कमेंट कर सकते हैं अगर आंसर पता हो तो और मानव शरीर की <clears throat> सबसे बड़ी पेशी सबसे लंबी तो हो गई सबसे बड़ी पेशी खाली जगह छोड़ रहा हूं आपके आंसर्स के लिए फिर मैं लिखूंगा तब चेक कर लेना क्योंकि मुझे पता है कई जने अभी यही एग्जाम भी तो देके आए होंगे पढ़ा तो है ही सबसे छोटी पेशी और सबसे लास्ट में लिख देता हूं सबसे मजबूत पेशी मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट कौन कौन सी ये इनके आंसर मैं सामने लिख रहा हूं आप चेक कर लेना ठीक है ग्लूटियस मैक्सिमस सार्टोरियस वेरी गुड फीमर स्टेपीज सबसे छोटी पेशी स्टेपीडियस <coughs> फेस स्कल बोन की अगर मैं बता देता वैसे लेकिन क्या होगा अपने लेवल से बहुत ज़्यादा एन के अकॉर्डिंग उससे बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल हो जाएगा भाई जाइगोमेटिक है वूमर है नेजल है इन्फीरियर कौन का ये वगैरह अलग अलग वो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर अपने लेवल से थोड़ा बाहर चली जाती इसलिए मैंने आपको अपने लेवल के हिसाब से जितना अप्रोप्रिएट था वो मैंने बताया ठीक है चले आगे बात करें फिर तो देख लो एक एक करके मैं इनके आंसर लिख रहा हूं सबसे लंबी सार्टोरियस सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस लंबी और बड़ी में अंतर है देख लो दोनों हमारे बैक में पाई जाती हैं लंबी का मतलब देखो कि ये पीठ के निचले या लगभग बीच वाले हिस्से से चालू होकर हमारे हिप्स से होती हुई बिल्कुल हमारे घुटने के पीछे वाले भाग तक यानी लंबाई में ज़्यादा है और बड़ी यानी जो लंबाई के अलावा ऐसे फैली हुई भी ज़्यादा ये भी हमारे बैक वाले भाग में ही होती है ग्लूटियस मैक्सिमस बात करें सबसे छोटी पेशी तो स्टेपीज अस्थि होती है सबसे छोटी इससे जुड़ी हुई मास पेशी स्टेपीडियस ये सबसे छोटी पेशी हो जाएगी सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज उससे जुड़ी हुई जो पेशी है मसल है वो स्टेपीडियस। और बात करूं सबसे मजबूत पेशी की तो मैसेटर ये होती है हमारे जबड़े में जबड़े में मजबूत पेशी होती है बिल्कुल ऑब्लिकली यहां से कान के पास से स्टार्ट होकर बिल्कुल तिरछी होकर ये हमारे निचले जबड़े के अगले भाग तक यहां पर जुड़ी हुई रहती है दोनों साइड में ठीक है सबसे मजबूत होती है <coughs> मैसेटर <coughs> चबाने में सहायता करती है ठीक है आप आपके जबड़े में बहुत ज्यादा ताकत होती है और इस जबड़े की ताकत को बताया था माइक टाइसन ने 90s में नब्बे 90 के दशक में उनकी एक बार बॉक्सिंग में रिंग में कहीं फाइट चल रही थी इयान हॉलीफील्ड के साथ तो हारता हुआ देख खुद को टाइसन ने क्या किया इवान हॉलीफील्ड का यहाँ यहाँ से इतना इतना पूरा कान चबा लिया काट कर अलग कर दिया था इतने जबड़े में शक्ति होती है हमारे ठीक है आप भी कर सकते हो लेकिन करना मत ठीक है हिंदी इनकी इनकी हिंदी मत करो भाई इतना हिंदी में मत जाओ एग्जाम में आएगा ना ये ही लिखा आएगा सार्टोरियस ठीक है इनकी हिंदी नहीं बताएंगे वो ठीक है इतना हिंदी से काहे लगाव है चले आगे बात करते हैं फिर ठीक है <coughs> तो ये कुछ पेशों से जुड़ी फैक्ट वाली बातें हो गई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं पेशों के तीन प्रकार देखते हैं मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होती है मसल्स में बिल्कुल सही बात है चले आगे बात करते हैं फिर इनकी भी अब मैसेटर की भी हिंदी नहीं पूछेंगे इतना हिंदी में मत जाओ ठीक है हमारे जो एग्जाम में भी यही लिखा हुआ आएगा सार्टोरियस या इस तरह से चले आगे बात करते हैं कि पेशियां तीन प्रकार की हैं तीन प्रकार की कौन कौन सी ये देखते हैं सबसे पहले एचिक या वॉल्यूंटरी या कंकाली पेशियां, स्केलेटल मसल्स भाई इनके जो नाम हैं अलग अलग ये इनके बारे में ही बता रहे हैं कैसे देखो ऐच्छिक या वॉल्यूंट्री ऐच्छिक यानी जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण हो जैसे मैं मेरा ये हाथ को इस तरह से गति करवा कर आपको समझा रहा हूँ तो ये जो हमारे हाथ पैरों की पेशियां होती है ऐच्छिक होती हैं ऐच्छिक यानी वॉल्यूंट्री हमारी इच्छा के अनुसार ही इनमें गति होती है मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ये बताता हूं कि इधर ये ऐच्छिक पेशियां यानी मेरा हाथ इधर ही गया इस पर मेरा नियंत्रण था मेरी इच्छा के अनुसार इसमें गति हुई और ऐसी पेशियाँ भाई ये बोन्स में जो मूवमेंट हो रही है मेरे हाथ में जो गति हो रही है ये करवा कौन रही है पेशियाँ या मसल्स करवा रही है तो जो पेशियों में गति हुई ये ऐच्छिक पेशियाँ जिन पर या जिनकी गतियां हमारे नियंत्रण में हो ऐच्छिक या वॉलेंट्री मसल्स <coughs> कंकाली या स्केलेटल मसल्स की बात करें कंकाली पेशियां क्यों कहा इनको सुनना ये भी क्योंकि ये पेशियां हमारी कंकाल से या हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई रहती हैं जो ये मेरे हाथ में मूवमेंट हो रही है पेशियों की वजह से वो पेशियां अल्टीमेटली ये मेरे हाथ की हड्डियों से जुड़ी हुई है आपके भी जुड़ी हुई है ठीक है तो चूंकि बोन से जुड़ी हुई रहती है इसलिए इनको क्या कह दिया स्केलेटल मसल्स कह दिया इसके बाद दूसरी जो अस्थियां हैं उनका नाम मैं बताता हूं ये हो गई ऐच्छिक तो अगली हो जाएगी श्योरली अनैच्छिक या इनवॉल्यूंट्री या अंतरांगी या <coughs> ंगिया विसरल मसल्स इनको भी समझ लो नाम से ही अनैच्छिक इनवॉल्ट्री यानी जिनके गतियों पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता जैसे मैंने आपको तंत्रिका तंत्र में भी अच्छी अनैच्छिक क्रियाएं बताई थी कि ऐसी तंत्रिकाएं जो अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित है अनैच्छिक तंत्रिकाएं कहलाती है और जो ऐच्छिक से संबंधित है ऐच्छिक कहलाती है अल्टीमेटली वो तंत्रिकाएं आकर जुड़ती किन से इन पेशियों से जुड़ती है जैसे हम बात करें हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं या जैसे मैं बात करूं हमारी आहार नाल की बात करूं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो आहार नाल आंतरिक भाग वो हमारी हड्डियों के जैसा कठोर नहीं है सॉफ्ट है जैसे अमाशय की बात करें छोटी आंत बड़ी आंत की बात करें इन आंतरिक भागों से जुड़ी हुई ऐसी पेशियां इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता इन पर या इनकी जो गतियां होती वो हमारी इच्छा से नहीं होती भूखे पेट हो बिल्कुल सुबह सुबह उठकर दो चार पांच घंटे हो गए कुछ नहीं खाया तो क्या होता है कई बार अंदर से मैंने बताया भी तो आवाज़ आती है कुछ अजीब अजीब सी पेट में से वो उनमें आहार नाल में ऐसी गतियां होती है जिनकी वजह से ऐसी आवाज़ आती है अब गतियां हैं तो पेशियां ही होंगी वहां पर कोई ना कोई तो पेशी होगी तो ऐसी पेशियां जो हमारे आंतरिक अंगों से जुड़ती हैं इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन से जुड़ती हैं वो क्या कहलाती है आंतरांगी या अनैच्छिक क्योंकि इनके गतियों पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है और सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं हृदय पेशियां या कार्डियक मसल्स हृदय पेशियां कार्डियक मसल्स इसका भी नाम ही काफी है कार्डियक मसल्स या हृदय पेशियां हमारे हृदय में होती हैं तीन प्रकार की पेशियां ये मनुष्य में पाई जाती हैं जो बातें अपन ने इनके बारे में की वो लिख लेते हैं दो दो चार चार बातें ऐच्छिक लिख सकते हैं इनकी गतियां हमारी इच्छा के नियंत्रण में तो इनकी तरफ अनैच्छिक की बात कर लें इनकी गतियों पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता इच्छा का नियंत्रण नहीं हृदय पेशियों पर इन पर भी हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता फिर कईयों के दिमाग में आएगा सर फिर इसको इधर ही लिख देता ना अनैच्छिक में कारण बताता हूं देखो हृदय दे पेशों को अलग क्यों रखा हृदय पेशियां ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों का कॉम्बिनेशन है कैसे सुनो कार्य में यानी इन पेशों की जो गतियां होती है वो तो क्या होती है अनैच्छिक होती है लेकिन अगर इनकी संरचना स्ट्रक्चर की बात करूं वो ऐच्छिक के जैसी होती है यानी दिखने में ऐच्छिक के जैसी काम करने में अनैच्छिक के जैसी लिख लेते हैं ये पेशियां संरचना में तो संरचना बोले तो स्ट्रक्चर संरचना में तो ऐच्छिक के समान लेकिन इनकी गति अनैच्छिक या इनकी गतियां अनैच्छिक यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है ठीक है फिर बात करते हैं अगला पॉइंट लिखे इसमें ये अस्थियों या बोन्स से जुड़ी हुई अस्थियों या बोन्स से जुड़ी ये आंतरिक अंगों से जुड़ी इंटरनल ऑर्गन्स से जुड़ी और ये हृदय में पाई जाती है हृदय हार्ट में फिर आगे बात करते हैं और अच्छा ये एक और चीज देखना इनकी अगर मैं संरचना बनाऊं ऐिक पेशियों की संरचना बनाएं तो इनके जो पेशी तंतु होते हैं इनमें इस तरह से आपको स्ट्रिप्स या लाइंस दिखाई देती हैं, रेखित पेशियां भी कहते हैं, स्ट्राइटेड रेखित पेशियां भी कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स और दूसरी तरफ अनैच्छिक की बात करूं तो अनैच्छिक पेशों में इस तरह से आपको कोई रेखा ही नहीं देंगी दिखाई देंगी अरेखित या चिकनी पेशियां भी कहते हैं इनको अंदर ये केंद्रक अरेखित स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां स्मूथ मसल्स और सबसे लास्ट में आपके आ जाएंगी हृदय पेशियाँ तो इनकी भी संरचना जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दिखने में तो ऐच्छिक पेशियों के जैसी हैं दिखने में अच्छे काम करने में अनैच्छिक इस तरह से इनमें भी रेखित पेशियों के जैसी ही ऐसे रेखाओं के समान इस तरह से अलग अलग स्ट्रिप्स में दिखाई देती है हां ये जो है अनैच्छिक पेशियां ये बिल्कुल स्मूथ मसल्स ठीक है आगे बात करेंगे तो ये पेशियों के तीन प्रकार बता दिए ऐच्छिक अनैच्छिक और हृदय पेशियां जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम्म असल में पेशियां क्या है मसल्स क्या है उत्तक है ठीक है उत्तक है ये फिर आगे बात करते हैं कि पेशियां संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल, संकुचनशील उत्तक हैं उत्तक टिश्यू ठीक है वाकई में अगर बात करें तो है क्या ये टिश्यू है जिनमें एक्टिन एवं मायोसिन जैसे मायोसिन जैसे तंतुमय प्रोटीन फाइब्रस तंतुमय या फाइब्रस प्रोटीन आए जाते हैं पोटेशियम एवं मैग्नीशियम इनकी गतियों के लिए आवश्यक आवश्यक तत्व आवश्यक तत्व हैं ये बात हमने की ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स वगैरह ये आपके कंप्लीट हुए अब इसके बाद बायो में अब थोड़ा सा एनवायरमेंट पोल्यूशन और पौधों से संबंधित टॉपिक जो बचे हैं उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में अब तक देखो हाँ बायो में अगर बात करूँ तो आपके जुलॉजी वाला पोर्शन और काफ़ी जो पोर्शन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं टाइम इसमें ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि बायो अकेला फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कॉम्बिनेशन के बराबर होता है खैर टाइम की आपको परवाह नहीं करनी टाइम टाइमली आपका सिलेबस हो जाएगा अब इसके बाद हम अगली क्लास में फिज़िक्स के पहले बेसिक बातें करेंगे मात्रक विमाएँ वगैरह क्या है फिर उसके बाद बल गति प्रकाश अलग अलग जो टॉपिक हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे जो एनवायरमेंट वगैरह उनके प्रदूषण वगैरह वाले रह गए उनको मैं फिज़िक्स के बाद वापस पढ़ा दूंगा ठीक है बाकी आप आगे, आगे बात करें फिर सभी को गुड मॉर्निंग अब अब गुड मॉर्निंग का ही को कर रहे हो अब तो क्लास खत्म होने को आई भाई ठीक है तो आगे बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच